अचानक से मन हुआ कि हम लोग जाए म्यूजियम। भाई कितना बार्गेनिंग करती है लड़की, बहुत पैसे बचाती है मेरे। दुर्ग से ट्रेन करके हम लोग नेक्स्ट डे पहुंचे कोलकाता। दोस्त के घर पे जल्दी से रेडी हो गई और हम लोग निकले कोलकाता टूर करने एंड शॉपिंग। कैब नहीं किए क्योंकि जब तक बस में नहीं चढ़ेंगे तब तक कोलकाता का स्वाद कैसे आएगा। और हम लोग साइंस सिटी के पास रुके थे, वहां से हम लोग बस करके गए एस्प्लैनेड। एस्प्लैनेड के रस्ते के साइड से शॉपिंग करने में जो मजा है ना, सस्ते में बहुत ही बढ़िया चीजें मिलते हैं। और आज शॉपिंग स्पेशली होने वाली है मोनिश का, उसका स्टाइलिंग मैं करूंगी। पूरे हनीमून ट्रिप में आप लोगों को मोनिश का स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि इट वुड बी समथिंग डिफरेंट जो मोनिश आज तक नहीं पहना है। फाइनली हम लोग का हो चुका है पहला शॉपिंग यहाँ से स्टार्ट, और अभी देखते हैं अभी इसके लिए क्या खरीदेंगे। मेरा तो फुल है, मेरा ओवर ड्रेस लेके आई हूँ मैं, और मोनिश का ही बाकी का तो ये सब शॉपिंग हो रहा है। तो कुछ लेने नहीं वाली थी, चल क्या रहा ये सब है, कितना सुंदर। ये इतनी फालतू लड़की ना, मतलब अच्छा तो दिख रहा है, अच्छा दिखेगा क्या करना है ये कर, देख लेते पहले। और चल उतना नहीं है क्वालिटी, उतना नहीं है। भाई कितना बार्गेनिंग करती है लड़की, बहुत पैसे बचाती है मेरे। कपड़े लेने का जगह नहीं है बैग पे, तो एक्सेसरीज गोइंग ऑन डाउन ना। नहीं है घर के, तो उधर से भी ऊपर से आता होगा। चलना क्या करना है? 80 देंगे, नहीं लेगा छोड़ो। पापी दिए है घर का बैग हमारे यहाँ से, बहुत सारा बैग मैडम ने 10-15 साल तो हो ही गया, और कितना बैग लिया। दो तीन लेडीज भी आती थी आपके साथ, मम्मी आती थी, मासी आती थी, दीदी आती थी। ऐसा लेने वाला बोलो तुम, गलत नहीं बोलेंगे मैडम, आपको बड़ा साइज का बैग भी चाहिए। अच्छा ये फिर वो मार्च निकलेगा नहीं, वो आपका नेचुरली बनाया हुआ है ये, फिर भी एक बार में क्लीन है। वो वाला निकालने वाली आप तो दिए नहीं, ये टाइट करे नहीं ना, करो टाइट। तेरे साथ नहीं, उस टाइम भी बड़े हो गए, 1.5 साल पहले ये लोग इतने इतने से थे, यहाँ पे 5 थे 5, अभी देखो 3 इतने बड़े हो गए। चल चल सो रहा है, परेशान मत कर, चल। अच्छा लगा देख के। हमें मिली है एक वाइट क्यूट चमाऊ, क्या देख रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या मतलब। अरे वहाँ हावड़ा में ना पूरा अच्छा जलजीरा वलजीरा दुनिया भर का डाल के बनाया था, बहुत अच्छा था हावड़ा में बहुत। अचानक से मन हुआ कि हम लोग जाए म्यूजियम, तो हम लोग अचानक से म्यूजियम के टिकट काटे बाजू, आधा शॉपिंग हुआ नहीं म्यूजियम के लिए जा रहे हैं। रुपए करके टिकट और फोन लेके जाने के लिए है 60 रुपए, फोन भी एक लोग है। कोलकाता म्यूजियम बहुत ही सुंदर था, बट हम लोग को एंट्री करने के टाइम पता चला हम वीडियो नहीं ले सकते, ओनली फोटोज ले सकते हैं। तो म्यूजियम के अंदर के सारे चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा फोटोज में। हमने फॉसिल एंड स्टोन वाले सेक्शन तो स्किप कर दिए, लेकिन हम लोग को देखने को मिला ये लंबा सा बड़ा सा ट्री जो कि 250 मिलियन ईयर पुराना है। बहुत पुराने टाइम के हथियार, पॉट्स, स्टोन्स, फॉसिल्स सारे देखने को मिले। वैसे स्टोन्स और फॉसिल्स में हमें बहुत एकदम ही इंटरेस्ट नहीं था, तो जो जो चीज में इंटरेस्ट था वही सब सारे सेक्शंस हम लोग गए। मूर्ति वाला सेक्शन काफी इनोवेटिव था। म्यूजियम के अंदर हमें एक चिड़चिड़ा सा खेसटा बिल्ली मिला जो कि हमारे तरफ एकदम अटेंशन नहीं दे रहा था, बट थोड़ी देर बाद मोनिश के साथ उसका दोस्ती हो गया। और इस सेक्शन में हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूर्ति मिला, देखो दुर्गा से लेके बहुत ही सारे भगवान के मूर्ति थे। एंड फिर हम लोग सीधे से गए ऊपर, वहां पे अंडरवाटर के मछली एंड बाकी क्रिएचर्स देखने को मिला। वैसे फोटोज में म्यूजियम देखने का क्या ही मजा, अगर कोलकाता से हो या वेस्ट बंगाल से हो जरूर विजिट करना, एंड बाकी स्टेट्स के तुम लोग फोटो देख के अभी मजे ले लो। मैं यहाँ गुस्सा हो गई थी क्योंकि मोनिश एक भी अच्छा फोटोज नहीं ले रहा था, फिर मैंने मोनिश का फोटो लिया। ऐसे करते करते फिर हम लोग दूसरे सेक्शन पे विजिट करने गए। ये सेक्शन बर्ड्स का था, ढेर टाइप का, बहुत सारे टाइप के बर्ड्स थे और ये सब रियल था। और फिर हम लोग गए पानी वाले सेक्शन, वहाँ पे सारे क्रोकोडाइल, स्नेक, पेंगुइन, फिशेस, बहुत सारे फिश था, सारा का सारा रियल है, ये सब स्टफ्ड किया हुआ है।
अनदर सेक्शन में है ये पूरे क्लोथ्स का, पुराने बनारसी अलग अलग टाइप के क्लोथ्स थे और ये दो चार गेट्स थे जो कि काफी पुराना वुडन से बना था। अब आया मेरा फेवरेट सेक्शन इजिप्ट सेक्शन, यहाँ पे रियल मम्मी देखे हम लोग, फोटो खींचना मना था तो ये तो आपको जाके ही देखना पड़ेगा। फिर देखे ये बड़ा सा डियर, ये टर्टल है जो इतना बड़ा सा, और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं सबसे बेस्ट पार्ट में, यहाँ पे जूलॉजिकल गैलरी है, बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर थे, ह्यूमन के स्केलेटन्स थे एंड हम लोग जो बंदर से ह्यूमन बने हैं उसका भी स्ट्रक्चर था, ये हाथी था, बंदर थे और सारा रियल था। और थोड़ा सा स्मेल यहाँ का अजीब था, ऑब्वियसली केमिकल्स दिए हुए थे, पर देखने में ये वाला सेक्शन मेरे को बेस्ट टू बेस्ट लगा। म्यूजियम में देखने के लिए इतना सारा चीज है जो कि पूरा दिन आप बिता सकते हो, पर हम लोग एक डेढ़ घंटे में निकल गए और क्योंकि बाकी का शॉपिंग भी कंटिन्यू करना था। खाना है पर फ्लाइट हो चुकी है 6 घंटा लेट और हम लोग म्यूजियम के अंदर थे। हाँ मसाला ये भी मिक्स करवाना है क्या, इसका अलग बनवाएंगे? क्या ले रहे थे तू? वो वाला तो एक ही करवा लेंगे। दिख रहा है भाई स्टारफिश टाइप, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, बहुत टेंगी टेस्ट है इसका, मुंह में अभी से पानी आ रहा है। चरम सुख की प्राप्ति। मेरा मैं तो प्यारा खाऊंगी। नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता एकदम। यम यम इसका पेट इसी में भर जाएगा ऐसा लग रहा है। किसमें? अच्छी बात है ना, लास्ट स्टॉप हमारा, इसके बाद घर क्या? इसके बाद घर, खाना खा के पेट पूजा करते हैं घर। बच्चों जैसा मेरे लोगों जैसे, मैं मम्मी हूँ, ये खिला दो वो खिला दो, ये खाना है वो खाना है। हमें हमारा सब्सक्राइबर मिला, सोचो इतने बड़े शहर में इतने बड़े जगह पे हम लोगों को पहचान लिया, और मैं शर्माती हूँ ना तो मेरे को तो उनके सामने कैमरा निकालने में शर्म आती है गाइस। पर मोनिश का बहुत फेवरेट है चना, टोमेटो नहीं खाऊंगी वो तो ना, मिर्ची नहीं वो। शाम तो हो गई पर हम लोग नहीं भूले दवा लेना, क्योंकि बाहर देश में जा रहे हैं कुछ भी हो सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड गुड बैक्टीरिया, जो कि बाहर हम लोग क्या क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उसके लिए पेट सही रहे, तो ये जरूर दवा लेना ना भूले। हाँ ट्रेन तो है 6 घंटा लेट, लेकिन पेट पूजा तो करनी पड़ेगी। अभी हम लोग कर रहे हैं बहुत ही लजीज खाना, वो है चिकन और क्या, और बिरयानी और गार्लिक ब्रेड। इतना सामान हो गया, चट के बैठ गए। बैंकॉक से आप चाहे ना तो भी शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, ये है हालत। थोड़ा सा जमा नहीं है सही, अगर देखो अगर कुछ जमा रह गया तो हम तो यहाँ पे रख देते, तुम सभी पहनोगे। अरे सुनो ना, रख दे क्या? फाइनली अभी बज रहे रात के 2:30 और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, वो भी मेकअप करके, वॉल पुट्टी। अभी सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, पहले की फ्लाइट 12 बजे की थी और ये स्पाइस जेट वालों ने हमारा फ्लाइट रिशेड्यूल कर दिया है, जबरदस्ती 6 घंटा हमको लेट निकलना पड़ा है। मतलब सो भी नहीं पाए, सही से जग भी ना पाओ और सही से सो भी ना पाओ, और कल का दिन भी खराब हो गया। कल का दिन खराब होने वाला है, खराब हो ही गया, मतलब सोएंगे ही थोड़ा बहुत, सोना पड़ेगा वहाँ जाकर। सोएंगे तो नहीं रे, मतलब कभी ना कभी तो सोना ही पड़ेगा, पर बॉडी अगर दे, वैसे मैं फ्लाइट में सोऊंगी, और ये तो फिर भी 1 घंटा सोया था मैं, वो भी नहीं सोई थी।